आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 3 है बाइनरी ऑपरेशंस एक्सरसाइज है 3.3। पहला सवाल है इसमें फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट आई प्लस ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आई प्लस। पहले मैं आपको बता दूं कि ये आई प्लस क्या है। आई प्लस है बेसिकली ये जेड का सबसेट है इंटीजर का। आई प्लस का मतलब ये है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0, 1, 2, 3 लाइकवाइज। ठीक है जी, ओके। तो हमको आइडेंटिटी निकालना है इसमें। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक एलिमेंट ए लिया इस आई प्लस से या यहां से ले लिया, तो जब हम उसको ऑपरेट करेंगे इस आइडेंटिटी एलिमेंट को इस वैल्यू से, तब हमको यही वैल्यू वापस मिल जानी चाहिए। या कहें कि ई को ऑपरेट करें ए से, तब भी आपको ए मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, ये मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि हम इसमें ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, है ना। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और यहां पर आपको दिया है ए स्टार बी। ए स्टार ई क्या है? ए स्टार बी आपको दिया है ए प्लस बी। तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा? ए प्लस ई। और ये किसके बराबर आना चाहिए? ए प्लस ई किसके बराबर आना चाहिए, मतलब ऑपरेट करने के बाद वो वैल्यू दोबारा आ जाना चाहिए, यानी कि ए दोबारा आ जाना चाहिए। अब ए प्लस ई बराबर ए का मतलब क्या हुआ? इसको यहां ले जा लीजिए। ई बराबर ए माइनस ए यानी कि ई बराबर आपका जीरो, और जीरो यहां पर है, जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि जो तीसरा और चौथा सवाल है जो सीबीएसई में आए हुए हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल यही बेस रहेगा। ओके, तो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट -1। तो रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इसमें -1 नहीं लेना है, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू स्टार डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसा है ये? ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, है ना। अब आप आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? जब आप ए को ऑपरेट करें ई से या ई को ऑपरेट करें ए से, आपको मिलना क्या चाहिए? दोनों ही केस में आपको ये ए ही मिल जाना चाहिए, है ना। तो ए स्टार ई क्या है? यहां पर क्या बनेगा? इसकी जगह ए रखेंगे, इसकी जगह ई रखेंगे। तो ए प्लस ई प्लस ये ए ई हो जाएगा। ये किसके बराबर है? ए स्टार ई किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर। तो ए के बराबर कर दीजिए इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ई प्लस ए ई बराबर ए को यहां ले जाइए, ए माइनस ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ई से ई कॉमन ले लीजिए, 1 + a = 0। दो चीज हो सकती है, या तो ई जीरो हो या 1 + a = 0। 1 + a = 0 मतलब a बराबर -1, लेकिन -1 तो हम ले ही नहीं सकते, इसका मतलब e को 0 होना पड़ेगा। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन z, यहां पर हम बात कर रहे हैं z की, यानी कि आपका इंटीजर हो गया, इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है? a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस 5। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? ए स्टार ई करेंगे या ई स्टार ए करेंगे, दोनों किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए, है ना। तो यही काम करते हैं, ए स्टार ई लगाएंगे और उसको बराबर कर देंगे ए के। तो ए स्टार ई में क्या होगा? यहां ए रख दीजिए, यहां ई रख दीजिए, तो जगह ए प्लस ई माइनस 5 बराबर ए। ए को यहां ले जाइए, माइनस 5 बराबर ए माइनस ए आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। e कितना आएगा यहां पर? 5 के बराबर। ये इसका उत्तर हो गया। चौथा पार्ट है, ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर्स इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय, तो a स्टार b किस तरीके से डिफाइंड है आपका? a प्लस बी प्लस 2। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो a स्टार e क्या आना चाहिए? a के बराबर। इसकी जगह ई रख दीजिए, इसकी जगह ए रख दीजिए। ए प्लस ई प्लस 2 बराबर क्या है? ए के बराबर आना चाहिए। इसको यहां ले जाइए, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो ई प्लस 2 आपका
जीरो आएगा, ई आपका माइनस टू आएगा, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।